दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है, फिर तीन ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से अब जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को सभी भाई बहन लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके वो भाई बहन बेल दबा लें जो अभी तक चैनल से जुड़े नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दें, एक ये लेटर आया है सरकारी आदेश, और ये है अमर जी दरभंगा से है, यानी बिहार से ये लेटर उन्होंने मुझे भेजा हुआ है। तो अमर भाई जी की तरफ से भेजा गया यह लेटर, आप सब जरा ध्यान से इसको देखिएगा। ये बिहार सरकार ने जारी किया है 6 नवंबर को जारी किया है परसों, और इसमें क्या लिखा हुआ है, सहायक निदेशक सह वरिष्ठ प्रभारी पदाधिकारी बजट, ऐसे देख लीजिए, सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भेजा गया। यानी पूरे बिहार की बहनों आप लोग ध्यान दीजिए, इसके बाद भी कई सरकारी आदेश है, पूरा वीडियो सभी भाई बहन देख करके जाना, एक एक करके आपको हम सभी खबरें दिखा रहे हैं। ये लेटर भी बहुत जरूरी है, इसमें लिखा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थापना एवं MIS मद में शेष आवश्यक राशि हेतु अपलोडिंग ऑनलाइन डाटा को शुद्ध यानी अपडेट करने के संबंध में, यानी जो भी डाटा अपलोड किया गया था उसे शुद्ध करने यानी अपडेट करने के संबंध में जानकारी आ रही। तो वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में स्थापना एवं MIS मद में जो भी आपकी आवश्यक राशि आई है उसी का जो डाटा था उसी के बारे में अपडेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो आगे आपको बता दें, लिखा हुआ है कि बार बार निर्देश देने के बावजूद कतिपय जिले प्रोग्राम जो है कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना से वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में स्थापना एवं MIS मद में शेष आवश्यक राशि हेतु अपलोड ऑनलाइन डाटा त्रुटिपूर्ण है। इस जो है यह परिलक्षित है करता है कि संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा उच्चाधिकारियों से निर्देश के अनुपालन में शिथिलता एवं उदासीनता बरती जा रही है, जो खेद एवं चिंता का विषय है। सामान्य रूप से वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना कार्यालय को स्थापना एवं MIS मद में 8 माह के व्यय के समतुल्य पूर्व राशि आवंटित की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्थापना एवं MIS मद में शेष 4 माह हेतु आवश्यक राशि की अपलोड जो है वो ऑनलाइन डाटा की विवरणी में सामान्य रूप से निम्न त्रुटियां जो है। तो वो त्रुटियों के बारे में भी देख लीजिए कौन कौन सी है। पहली है कि कतिपय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना द्वारा CFMS में उपलब्ध राशि को बिना जांच किए शेष आवश्यक राशि की की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। साथ ही अगला पॉइंट है कि बार बार स्पष्ट देने के बावजूद कतिपय मदों में पूर्व की बकाया राशि को जोड़कर राशि की मांग की गई है, जो भी त्रुटिपूर्ण है। साथ ही अगला पॉइंट है, कतिपय जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं बाल विकास परियोजना द्वारा केंद्रांश एवं राज्यांश में राशि की मांग सही अनुपात यानी जो रेशियो है वो नहीं की गई है, जो भी त्रुटिपूर्ण है। साथ ही बताना चाहेंगे, आगे लिखा हुआ है। अब दोस्तों देखिए, अगला जो पॉइंट पढ़ के आया हुआ है इसे जरा गौर से आप लोग सुनिएगा। कतिपय बाल विकास परियोजनाओं द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र भवन किराया मद में किराया पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र भवन की संख्या अंकित नहीं की गई है, एवं कतिपय परियोजनाओं द्वारा किराया पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र भवन हेतु निर्धारित किराया की दर से अधिक राशि की मांग की गई है, जो त्रुटिपूर्ण है। साथ ही अगला है, MIS मद में डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्यपालक सहायक के मानदेय हेतु अविश्वसनीय राशि की मांग की गई है, जैसे बाल विकास परियोजना सबौर यानी भागलपुर से 27,23,291 रुपए की मांग की गई है, महाराजगंज यानी सिवान से मांग की गई है 20,10,000 रुपए की, औरैया मुजफ्फरपुर में वहां से मांग की गई है 4,19,000 की, लौरिया पड़ता है पश्चिमी चंपारण जिले में वहां पर 4,13,000 रुपए की मांग की गई। ऐसे पैसों की मांग की गई है जो बताया जा रहा है अविश्वसनीय है, इस पर विश्वास मतलब नहीं करने लायक है, बहुत ज्यादा पैसा की मांग किया जा रहा है। आगे बता दें और क्या है, इसमें लिखा है कि उपर्युक्त के आलोक में पुनः निर्देश है कि सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्थापना एवं MIS मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए शेष आवश्यक राशि की मांग के सभी कालम को व्यक्तिगत रूप से जांच कर ICDS निदेशालय की वेबसाइट ऐप
ap.icdsbih.government.in ऐसे करके है। बजट मेन्यू पर दिनांक 11/11/2020 यानी 11 नवंबर 2020 तक अपलोड ऑनलाइन डाटा को शुद्ध यानी कि अपडेट करना सुनिश्चित करें। साथ ही सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी अपने स्तर से बाल विकास परियोजनाओं द्वारा मांग की गई राशि 100% जांच कर अपलोड ऑनलाइन डाटा को दिनांक 13 नवंबर तक जो है संपुष्ट करेंगे। अपलोड ऑनलाइन डाटा अशुद्ध रहने की स्थिति में उन कार्यालय परियोजनाओं को राशि आवंटित नहीं की जाएगी जिसकी पूर्ण जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी की होगी। तो आपने देखा है जो राशियों के लोग को लेकर के मांग पत्र भेजे गए निदेशालय उनमें त्रुटियां बताई जा रही हैं, कहीं उनमें रेशियो का अंतर है यानी केंद्र का और राज्य का जो होता है वो गड़बड़ मांगा गया है, मांग पत्र सही नहीं गए हैं और मांग पत्र सही नहीं होगा तो भुगतान नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सी आंगनबाड़ी बहनें बेचारी जो किराए पर चला रही अपना केंद्र, उनके किराए का भुगतान इसी जो है लापरवाहियों के चलते नहीं हो पाता है क्योंकि अधिकारी गलत मांग पत्र भेजते हैं, सही मांग पत्र नहीं होते हैं जिसके चलते भुगतान ऊपर से होता नहीं और बहनों का पैसा मिलता नहीं है। तो ये आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। तो ये है कुछ कड़वी सच्चाइयां, आप लोगों का समय पर चीजें ना मिल पाना इसका एक उदाहरण है, यानी मांग पत्र समय से सही नहीं जाते, निदेशालय को अधिकारी नहीं भेजते हैं। आगे देखिए अगला मैसेज क्या है, ये भी बहुत जरूरी है। कार्यालय महिला एवं बाल विकास परियोजना विदिशा शहरी जिला विदिशा मध्य प्रदेश से आया है लेटर 6 नवंबर को जारी होकर के, समस्त पर्यवेक्षक परियोजना विदिशा शहरी उनकी तरफ से आया है। डोर टू डोर सर्वे करने हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशित करने के संबंध में लेटर है। इसमें लिखा गया है कि 5 नवंबर को आयोजित बैठक में कमिश्नर सर द्वारा दिनांक 23 नवंबर को जो है 23 नवंबर 2020 तक के जो है डोर टू डोर सर्वे पूर्ण करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। जैसे 23 नवंबर तक डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा जिसमें गर्भवती धात्री माताओं का पंजीयन होगा, कुपोषित बच्चों की जानकारी होगी, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के हितग्राही महिलाओं के पंजीकरण की स्थितियां होंगी, लाडली लक्ष्मी योजना अंतर्गत प्रथम बालिकाओं का योजना अंतर्गत पंजीयन करना एवं गर्भवती एवं बच्चों का टीकाकरण एवं जानकारी ली जाएगी। इसके बारे में मध्य प्रदेश में बोला जा रहा है विदिशा शहरी जो परियोजना है इसमें लिखा है, अतः आप अपने सेक्टर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को अपने अपने क्षेत्र वार्ड में डोर टू डोर सर्वे निर्धारित तिथि के पूर्ण जो है करने के लिए निर्देशित करने का कष्ट करें। सभी अधिकारी कर्मचारी के घर भी सर्वे किया जाना है एवं ध्यान रहे कि कोई भी घर सर्वे से छूटे ना। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा किए गए सर्वे से प्राप्त रिपोर्ट को निर्धारित प्रपत्र में भरकर कार्यालय में जमा करें ताकि उपरोक्त सर्वे की जानकारी वरिष्ठ कार्यालय को समय सीमा में जो है वो प्रेषित की जा सके, ऐसा लिख करके आया है। आगे और बता दें, सचिन भाई ने ये मुझे जानकारियां भेजी हैं। आगे बता दें मध्य प्रदेश से एक और वहीं से लेटर है, ये 30 अक्टूबर को निकला था। इसमें लिखा है कमिश्नर महोदय भोपाल संभाग भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध रूप से जीरो बजट आधारित किसान खेत पाठशालाओं का आयोजन दिनांक 2 नवंबर से 12 नवंबर तक किया जाएगा। तो अभी 12 नवंबर चल ही रहा है तो अभी ये सब चल रहा होगा। समस्त ग्राम पंचायतों में किसान खेत पाठशालाओं का आयोजन कर रबी मौसम के प्रारंभ में कृषकों को समसामयिक जानकारी मास्टर ट्रेनर द्वारा दी जाएगी। आयोजन के क्रियान्वयन हेतु राजस्व कृषि एवं कृषि के समस्त जो विभाग हैं कृषि महाविद्यालय हैं उनकी सहभागिता रहेगी। कृषकों को एकत्र किए जाने वाले संबंधित ग्राम के पटवारी पंचायत सचिव ग्राम सहायक और इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी शामिल हैं। कृषक मित्र कृषक दीदी ग्राम कोटवारा एवं जो है यहां पर सहयोग इन सबका रहेगा। संलग्न सूची अनुसार अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी तत्काल प्रभाव से लगाई जा रही है, निर्देश इनको दे दिया गया। तो अब देखना यही है कि मैं हर एक राज्य में देख रहा हूं चाहे जैसा कोई भी काम कार्यक्रम आए उसमें आंगनबाड़ी बहनें छूटती नहीं है, हर जगह आंगनबाड़ी बहनें विराजमान कर दी जाती हैं। हमारे अधिकारी ऐसे लेटर निकाल देते हैं। ये जिला पंचायत विदिशा की तरफ से ये लेटर एक जारी हुआ था, आप लोग देख सकते हो। अब यहां पर देख लीजिए एक प्रारूप भी आया है, मार्च 2020 से अक्टूबर 2020 की आधार जो है अवधि की जानकारी
पंजीयन से छूटे महिलाओं की संख्या, इनमें गर्भवती धात्री का अलग जाएगा। अभियान के दौरान नवीन पंजीकृत कितने हुए गर्भवती और धात्री का उनका भी, और आपका ANC छूटी गर्भवती महिलाओं की संख्या अभियान के दौरान कितने महिलाओं की ANM जो है यहाँ पर ANC कराई गई है। टीकाकरण से छूटे हुए जो भी गर्भवती हैं और बच्चे हैं, अभियान के दौरान टीकाकरण करवाए गए जो भी गर्भवती और बच्चे हैं, साथ ही स्वास्थ्य जाँच से छूटे बच्चों की संख्या कितनी है, अभियान के दौरान कितने बच्चों की जाँच कराई गई है और घर पर जो है प्रसव कराए गए महिलाओं की संख्या कितनी है जनवरी 2020 से मार्च 2020 तक का और अप्रैल 2020 से लेकर के अभी तक का जितना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी पंजीकरण से वंचित महिलाओं की संख्या, अभियान में इस योजना अंतर्गत पंजीकरण महिलाओं की संख्या और साथ ही लाडली लक्ष्मी योजना में भी पंजीकृत से जो है पंजीकृत से वंचित बालिकाओं की संख्या और अभियान में योजना अंतर्गत व पंजीकृत बालिकाओं की संख्या, साथ ही कुपोषित बच्चों की संख्या सैम में पूर्व में जो पंजीकृत थे और वो और अभियान के दौरान जो पंजीकृत हुए वो, ये कालम है। आगे नीचे एक और कालम ये है, स्नेह वगैरह है सरोकार अंतर्गत दत्तक वगैरह लेने वाले चिन्हित पालकों की संख्या, ये भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे। तो अब आगे चलते हैं, आपको बता दें ये जो दो लेटर थे मध्य प्रदेश सेस में लिखा है, हमारे विभाग का सर्वे तो है ही जो है, साथ में पंचायत वालों ने भी अलग से काम वगैरह सौंप दिए हैं, तो ये आप देख लीजिए गैर विभागीय काम बाल विकास विभाग के कर्मचारियों पर बराबर सौंपे जा रहे हैं और ये जो है कलेक्ट्रेट वगैरह ने अपना विदिशा में लेटर निकाला था मध्य प्रदेश में। आगे आपको बता दें अम्बेडकर नगर भी पड़ता है, यहां पर भी DPO का एक लेटर जारी हुआ है, 7 नवंबर को लेटर निकला है। इसमें वो क्या कह रहे हैं, इनका कहना है कि जैसा आप सब लोग अवगत हैं कि नवीन पोषाहार व्यवस्था यानी कच्चा राशन जो कि आप लोगों का कल से उत्तर प्रदेश में पहुंच जाएगा, उसी के अंतर्गत दिनांक 9 तारीख से खाद्यान्न का वितरण लाभार्थी में जो है किया जाना है। शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुसार खाद्य एवं विपणन विभाग के ठेकेदारों द्वारा खाद्यान्न उठाते हुए आज 7/11/2020 से गोदाम जितने भी हैं और कोटेदार हैं उनको सब राशन जो है उपलब्ध करवा दिया जाएगा। वहां से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपना उठाव कर लेंगी, फिर केंद्र पर लाएंगी, पैकेजिंग करेंगी, फिर आंगनबाड़ी को सौंपेंगी, फिर वो अपना डोर टू डोर जिस तरह से बांटना है अभी फिलहाल COVID-19 के कारण तो घर घर बांटेगी। बाकी मैंने मात्रा सब कुछ पूर्व में ही बता दी है ताकि सब लाभार्थी भी अपना देख लें कितना राशन क्या क्या आएगा, कितना गेहूं चावल और क्या क्या आएगा, मैंने हर एक लाभार्थी के हिसाब से उनका सब कुछ बता दिया है। आप लोगों को इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी ऑल इंडिया ने दे दी थी। तो फिलहाल के लिए आप लोगों को यह वीडियो पसंद जरूर आया होगा। अब आगे और बताना चाहेंगे, ये जो मेरे पास लेटर आया था ये बेबी बहन है आंगनबाड़ी यूपी से, अंबेडकर नगर से, उन्होंने ये लेटर भेजा था। तो फिलहाल के लिए आज का वीडियो बस इतना ही, एक जानकारी और चाहिए थी जैसे, चलो फिर छोड़ते हैं, हमने कहा था ट्विटर अकाउंट वगैरह हमने जो है अपना बना दिया है, आप लोग उस पर सपोर्ट करिए, फॉलो करिए। रीजन ये है कि वहां से भी हम आपकी जो समस्याएं हैं उनको सीधा टैग करेंगे, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो तो उनके पास सीधा जानकारियां जाएंगी और एक कंपेन टाइप का हम लोग चलाएंगे जिसके तहत ये होगा आपकी आवाज और ज्यादा जो है गूंजेगी। तो फिलहाल के लिए काफी लोगों ने